हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं ओपिनियन लेके आया हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी, एक साथ दोनों में ओपिनियन आपको बता देता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ओपिनियन है तो आज देखेंगे। निफ्टी में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ऊपर का रास्ता तो ब्लॉक था। ऊपर इसको ऊपर जाना नहीं था, 10,000 हर बार जाता वो 11,000 से रिटर्न आता है, तो वो क्या कर सकता था। तो अल्टीमेटली उसने वही किया, नीचे की ओर उसको ईजी लग रहा था रास्ता, वो नीचे की ओर मार्केट को ले गया। तो जो इजी रास्ता उसने अपना लिया, और आप देखेंगे 10,792, 117। ये अलग बात है किम जोंग ने क्या कहा और किसने क्या कहा। मार्केट को नीचे जाना था तो ले गया। किम जोंग ने क्या यूएस प्रेसिडेंट को कहा उसका एक बहाना बन गया, और उसके चलते आप देखेंगे तो मार्केट को नीचे ले गया। चलिए कोई बात नहीं, 11,000 हम आपको बता रहे थे कि ऊपर का दायरा, कल के वीडियो में आप देखेंगे तो दायरा नज़दीक था, 10,900 से 11,000 था। तो दायरा उसका एकदम यहाँ क्लोज हो चुका था। अब यहाँ पे देखेंगे तो दायरा नीचे की ओर है। आपको बताया था जब 11,300 क्रॉस करेगा तो वो फिर ऊपर 11,000-12,000 के लिए जाएगा, और 12,000 के लिए कोई संभावना नहीं है। अभी नीचे की ओर भी आप ऐसा मत समझिए, अब तो ये गया, ये जाने वाला भी नहीं है। ये आपको 10,500 मैक्सिमम दिखाएगा, इससे नीचे भी नहीं जाना चाहिए। माने ये बहुत नीचे भी नहीं जाएगा, बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा। अभी इलेक्शन तक आपको जो रेंज रहेगा वो 10,000 से 11,500, ये 1,500 पॉइंट में इसको पूरा 4 महीना निकालना है। तो अगर आपको 4 महीने का आपको ट्रेंड चाहिए अप टू इलेक्शन, अप टू अप्रैल, तो यही रेंज है 10,000 से 11,500। इसी रेंज में ये खेलेगा, बहुत से बहुत नीचे 9,700 दिखा देगा, और ऊपर बहुत से बहुत 11,500 दिखा देगा या 700 दिखा देगा। एक्सट्रीम रेंज है ये दोनों, 9,700 और 11,700। लेकिन नॉर्मल जो चलेगा, नॉर्मल आपको 10 से 11,000, 10,000 11,000, 10,000 11,000, यही रेंज में आपको मिलेगा। नीचे बहुत जाए तो आपको बहुत ज़्यादा नीचे की ओर पोजीशन नहीं बनानी है, ऊपर बहुत जाए तो बहुत एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि दोनों और टिकने वाला नहीं है ये। और जिस और भी रेंज तोड़ेगा वो आप अच्छी तरह से तोड़ेगा। तो अब नीचे की ओर मुझे लगता है एक बार 10,650 ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और आपको 10,650 पहला, और वहां से तोड़ता है तो 10,550 आपको देखने को मिल सकता है, 10,525। तो मुझे इस बार आप लग रहा है कि ये नीचे की ओर ट्रेंड लिया है। अगर ये 10,775 के नीचे देता तो श्योर शॉट हो जाता, लेकिन ये 800 के आसपास दे करके अपने रेसिस्टेंस लेवल के पास ही दिया है, सपोर्ट लेवल के पास दिया है। कोई बात नहीं, मुझे एक बार लग रहा है जो डेरिवेटिव पे चार पैटर्न बन रहा है उसके अनुसार मुझे लग रहा है कि ये एक बार 10,650 टेस्ट करेगा, और फिर 10,525 भी टेस्ट कर सकता है। तो नीचे की ओर एक बार निपटी ले सकता पोजिशन। कल एक्सपायरी है, वो भी देखिए, अगर कल बैंक निफ्टी ऊपर की ओर ले लिया तो हो सकता है कि 20-25 पॉइंट में आपको क्लोजिंग दे दे, तो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। लेकिन हाँ, एक ट्रेंड अब जैसा ऊपर की ओर था, अब 2-3 दिन के लिए आपको हो सकता है नीचे की ओर ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अब कॉल से ज़्यादा अच्छा पोजिशन है पुट में बनाने का। अभी तक आप कॉल पर पोजिशन बना रहे थे, अभी हो सके तो पुट पर पोजिशन बना के आप इसको पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप देखेंगे ऐसे भी क्या डाटा दे, एडवांसेस कितने हैं 9 और डिक्लाइन कितने हैं 41, तो डिक्लाइन साइड ज़्यादा है। एडवांसेस कौन है, तो सन फार्मा, इंफ्राटेल, इंफ्राटेल। सन फार्मा में कॉशियस रहिएगा, 456 से ऊपर जाएगा नहीं, मैं हर बार बता रहा हूँ। इसमें कोई लॉन्ग पोजिशन बना करके बैठिएगा, आप अपने रिस्क पर बनाइएगा, या स्टॉप लॉस लगा के बैठिएगा। इसमें 430 का स्टॉप लॉस लगा के बैठिए, अगर नीचे जाता है तो वहाँ से आप बाय करना, तो 430 का स्टॉप लॉस से ऊपर की ओर बाय कर सकते हैं। इंफ्राटेल और TCS, एशियन पेंट और इन्फोसिस। आज IT सेक्टर ने अच्छा किया, जो सबसे ज़्यादा लूजर रहा है आइसर मोटर। आइसर मोटर 20,000 के लेवल को नहीं तोड़ेगा, और ये आपको यहाँ से आज 21,014 की क्लोजिंग हुआ, हो सकता है कि कल वापस आपको 20,500 दिखा दे, 20,000 दिखा दे, आप इससे डरिएगा नहीं। आपको इमिडिएट ये आपको 23,000 का लेवल आपको इसको दिखाते देर नहीं लगेगा, 23,500, 24,500। तो अच्छा है, अपॉर्चुनिटी दिया आइसर मोटर ने नीचे 19,500 का स्टॉप लॉस से। 19,500 तोड़ता है तो फिर ये 17,500 भी दिखा सकता है, तो 19,500 के स्टॉप लॉस से। लेकिन ये इतना निगेटिव नहीं है, आइसर मोटर कोई निगेटिव नहीं हुआ है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करेंगे तो 33,000 का भी भाव इसमें आपको देखने को मिल सकता है। JSW टाटा स्टील को सिर्फ तोड़ा गया है, CLC की रिपोर्ट आई थी, और CLC की रिपोर्ट से ये दोनों टूटा है, JSW और टाटा स्टील। टाटा स्टील में थोड़ी वीकनेस अभी देखने को मिल रही है, हो सकता है कि 475 और 425 के लेवल को टेस्ट करें। लेकिन आपको बहुत जल्दी टाटा स्टील में और JSW स्टील में वापस अपने पुराने रनों को देखने को मिल सकता है। CLC का जो रिपोर्ट है वो ये बेस्ड है कि चाइना में डिमांड कम हुआ है तो रेट कम होगा, तो प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट होगा,
ये सब कोई लॉन्ग टर्म नहीं, आज के रिपोर्ट से देने से आज के आज डिमांड कम नहीं हो गया। तो ये ट्रेडिंग पैटर्न था, ट्रेडिंग में इसको फॉल कराया गया है, अच्छा पैटर्न है, आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील में आप 20-20% करके पोजीशन बनाए और एक साथ कल के कल आपको बाई नहीं करनी है। नीचे जाए तो 20-20% अपनी पोजीशन जितना बाई किया है उसका 20% और ऐड कर लीजिए आप। तो आपकी अगर मान लीजिए आपके पास 100 है तो आप 20-25 क्वांटिटी और ऐड कर लीजिए, 20 क्वांटिटी और कल ऐड कर लीजिए उसमें। और अगर नीचे जाता है आपको नीचे 425 से नीचे नहीं जाएगा, ये इसकी गारंटेड है, गारंटी है, मतलब सियोरिटी है कि नहीं जाएगी। 475 ही तोड़ने में इसको भी हालत खराब होगा, 475 तो तोड़ने दीजिए। आज सेंटीमेंट में सीएलसी का टूट गया तो कल को और आ जाता तो और तोड़ देगा। बट एक बार नीचे इसको इसलिए भी जाना था कि ऊपर उठने के लिए इसको नीचे जाना जरूरी था। ट्रेडर या सीएलसी या बड़े बड़े जो ट्रेडिंग कंपनी है वो चाहेंगे कि सब रिटेलर यहाँ से बाहर हो जाएं और फिर वो उसके बाद जाके पोजीशन बनाए। वो जितना लो पे पोजीशन बनाएंगे और जितना हाई जाएगा उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो रिटेलर अक्सर यही गलती करता, अपने लॉन्ग पोजीशन को काट लेता, जबकि यहाँ पे उसको एवरेज करना चाहिए। टाटा स्टील में कोई कल के कल कंपनी बंद नहीं होने वाली, जेएसडब्ल्यू जैसी स्टील को, वेदांता, ये सब अच्छे रेट पे आपको मिल रहा है। तो मेरे अंदाज से आपको स्टील सेक्टर में पोजीशन बनानी चाहिए। वेदांता, अगर आपको वेदांता जैसी कंपनी जो कि आपको 20% का डिविडेंड देती है, आपको कहाँ प्रॉब्लम है? नहीं भी आप रखे होंगे तो भी आपको तो बाय करके इसको और अच्छे जितने लेवल पे, अगर आपको ये 100 रुपये पर मिलता तो बहुत अच्छी बात है। वेदांता न्यू अभी इस बात का कुछ साउथ में एक कंपनी भी चालू करने वाली है, तो ये सब आपको शेयर बहुत लोअर लेवल पर मिलेंगे, नहीं मिल रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बाइंग का। अगर आप इसको निगेटिव देख रहे हैं तो गलत है, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडर के लिए नुकसान हो सकता है। एक बार ट्रेडर को हो सकता है पुट में पोजीशन बनाए, 490 का पुट ले टाटा स्टील में, तो हो सकता है कि उनको वहाँ फायदा देखने को मिले, 1485 में मिल रहा है। ऑलरेडी इस पे वीडियो कंटेंट्स रिलीज जेएसडब्ल्यू और इस पे वीडियो दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं आज ही का वीडियो। अगर मैं इसमें दूसरे पोजीशन देखूँ कि बाइंग का पैटर्न क्या बना, ऑल रिपोर्ट जाकर के यहाँ पे दिखाऊँ, तो आज देखिएगा FI ने भी सेल किया 621 करोड़ का और DI ने भी 226 करोड़ का सेल किया। इस कारण से आज आपको प्रेशर देखने को मिला। आज FI मार्केट में फर्स्ट ट्रेडिंग किए, कल तक FI नहीं थे, आए हैं तो सेल से चालू किए। कोई बात नहीं, करने दीजिए सेल से चालू, बाइंग तो आनी है, आएगी। और अभी मेजर इंडिसेस भी आप देखेंगे तो देखेंगे जहाँ पे यहाँ पे डाउ देखिए 165 पॉइंट का दे रहा, 18 पॉइंट का, 47 पॉइंट का थोड़ा निगेटिव है। अगर हम कॉमोडिटी की बात करें तो ब्रेंड क्रूड में आपको गेन वापस 55 रुपया दिख रहा है, ये थोड़ा बढ़ के दिख रहा है ब्रेंड क्रूड। फॉरेक्स कॉमोडिटी देखें, USD देखें तो रुपया मजबूत, डॉलर मजबूती की ओर दिख रहा है। तो ये सारे संकेत कर रहे हैं कि शायद मार्केट कल का वीक रहे। और एक बार क्या है, ये ऊपर भी लेगा नीचे भी लेगा, ये कोई एक दिन में गिरने वाला नहीं है, कोई एक दिन में उठने वाला नहीं है। तो जो दोनों साइड पोजीशन बना करके एक सुटेबल रेंज पे, जैसे 11,000 पे लिमिटेशन था तो आपको पुट पे पोजीशन वहाँ पे कर लेते तो अच्छा था, क्योंकि अपने को मालूम नहीं था तो इसलिए नहीं करते तो और भी अच्छा था। अब नीचे की ओर आया है तो 10,525 तक जा सकता है, तो यहाँ पे पुट पे पोजीशन बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। अब डेरिवेटिव में आपको दिखाता हूँ, ये निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी का है, इसके बाद बैंक निफ्टी बता देता हूँ। तो अब निफ्टी देखेंगे तो आप देखेंगे 10,792 पे क्लोजिंग हुआ। एक बार निफ्टी पे चार्ट भी देख लेते हैं तो ये देखेंगे कि ये निफ्टी जो है अपने बोलिंगर बैंड के चार्ट के लोअर लेवल को टच करके खड़ा है। तो हो सकता है इसका जो सपोर्ट है निफ्टी का, यहाँ पे 10,522 लोअर लेवल है, 10,512-10,525 यहाँ पे आपको सपोर्ट तो मिल ही जाएगा। इससे नीचे जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट अभी देखेंगे रिसेंट में तो ये हो सकता है 10,625 पहले तो इसका 750 का लेवल है 50 दिन का डेमा, और आप देखेंगे उसके बाद तो 100 दिन का डेमा 10,780 है, 80 टूट जाएगा तो 10,750 यहाँ के बाद आपको ये लेवल देखने को मिलेगा 10,750, और अगर वो तोड़ता है तो 10,650 देखने को मिलेगा आपको यहाँ के आसपास, 625-650, और फिर वहाँ से आपको 525 का लेवल, ये लास्ट जो है 10,522 ये लेवल 516 ये शायद आपको टेस्ट करते हुए आपको देखे, यहाँ से फिर ऊपर की ओर ले लेगा। तो ऊपर ये देखिए जो पूरा रेंज है, पूरे महीने का रेंज है ना, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ये आपको नीचे 10,522 16,522 ऊपर 11,020-11,022 यही रेंज में अभी नीचे की ओर आ रहा है, फिर ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ये पूरा 4 महीने तक यही रेंज में चलने वाला है। तो आपको ऊपर की ओर जब दायरा सीमित हो तो नीचे की ओर पोजीशन बनाएं, जब नीचे की ओर हो तो ऊपर की ओर जाएं। इस रेंज से आप खेलेंगे तो आपको दोनों तरफ फायदा कमा सकते हैं। ये 4 महीना अप टू मार्च अप्रैल तक यही पोजीशन रहेगा। तो चूंकि 11,000 ऊपर की छूके आ चुका है तो अब नीचे की ओर ट्रेवल कर रहा है तो नीचे की ओर पोजीशन, लेकिन जब 10,500 से नीचे जाए, मैंने 10,200-300 पे जाए, फिर समझिए इससे नीचे जाएगा नहीं, तो फिर कॉल की ओर ऊपर आ जाइए। तो वहां पे पोजीशन देख के पता चल सकता है कि किस ओर जा रहा है।
इसको डेरिवेटिव पे भी अगर देखने की कोशिश करेंगे एक बार, तो डेरिवेटिव पे एक बार इंडेक्स भी देख लेते हैं, तो देखेंगे सारे इंडेक्स आपको रेड सेक्टर में, रेड में बने हुए, निफ्टी 50 हो 1% के साथ, चाहे मिड कैप हो, सारे मिड कैप 50 सारे इंडेक्स रेड में बन हुए हैं, और जो इंडिया का विक्स है वो पॉजिटिव ट्रेंड में बन रहा है 16, तो ये पॉजिटिव होगा तो मार्केट निगेटिव जाएगा, आपको भी बताया हुआ, आपको भी मालूम है। सबसे ज़्यादा देखेंगे तो लूजर हैं निफ्टी ऑटो 3% के साथ है, और निफ्टी मेटल 3.5% के साथ, ये हाईएस्ट लूजर में रहे दोनों। और इसमें निफ्टी मेटल में देखेंगे जो टूटा है सबसे ज़्यादा, तो जो टूटा है उसमें से जेएसडब्ल्यू स्टील 16 पॉइंट, टाटा स्टील 23 पॉइंट, वेदांता 8 पॉइंट, हिंडालको 8 पॉइंट, जिंदल स्टील 5 पॉइंट, सेल 1.9, सेल भी एक अच्छी कंपनी है, इसका 45 का लो होता है और 90 तक जाता है, बाकी आपकी मर्जी। अब जो इसमें एप्पल लाभ, जो कल ये एप्पल पालो, ये पोलो, ये भी कल गेनर था, आज वापस ये गेनर है। एनएमडीसी ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें कोई न्यूज आने वाला बायबैक का, इसके चलते ये गेनर था, हो सकता है बायबैक का न्यूज आएगा तो इसके चलते आपको गेनर में देखने को हो सकता है कंटिन्यू रहे आपको निफ्टी मेटल में। तो निफ्टी मेटल हो गया। अभी ऑटो में देख लें तो ऑटो में जो कोई भी गेनर नहीं था, एक भी शेयर गेनर नहीं था, सभी लूजर थे। आईसर मोटर 2181 पॉइंट के साथ लूज किया, टीवीएस मोटर 29 पॉइंट के साथ, एमएम महिंद्रा में 22 पॉइंट के साथ, हीरो मोटर कॉर्प 102 पॉइंट के साथ, मारुति 207 पॉइंट के साथ। मारुति 7000 लेवल को तोड़ती नहीं है और 7700 के लेवल को क्रॉस नहीं कर रही है, तो 6700 से लेवल लेकर के 6700 से 7700 के रेंज में, 1000 पॉइंट के रेंज में ये ट्रेवल कर रही है। तो 6700 में आपको बाय करना चाहिए, 7500-7700 में एवरेज निकाल देना चाहिए। जैसे अभी अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मार्च तक हो सकता है ये कंटिन्यू रहेगा। एमआरएफ 101 पॉइंट के साथ, निफ्टी ऑटो टोटलिटी भी देखेंगे तो 280 पॉइंट का गिरावट है और 3% का चेंज है निफ्टी ऑटो में। ये दो मेन सेक्टर थे जहाँ पे आपको देखने को मिली गिरावट। बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे एक बार, निफ्टी बैंक में देखेंगे तो 217 पॉइंट का चेंज है। यहाँ पे एक चीज़, अच्छा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ओपन हुआ 27297 में, हाई यहाँ से 100 पॉइंट का बनाता है, लो वहाँ से फिर 300 पॉइंट का लो बना देता है, और फिर वहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस में 100 पॉइंट का कवर कर लेता है। तो ओपन से 100 पॉइंट अप जाता है, लो 300 पॉइंट डाउन मारता है और फिर अप मारता है, तो अल्टीमेटली जहाँ 27297 से 100 पॉइंट का निगेटिव है क्लोजिंग। अगर आप ये सोचें जहाँ ओपन हुआ था वहाँ से क्लोजिंग जो दिया है वो 100 पॉइंट का निगेटिव दिया है। इस एंगल से देखेंगे तो आपको निफ्टी बैंक में कमजोरी दिखाएगा, और किसी तरह से अगर वो 26950 को तोड़ता है तो आपको 26500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो 26950 एक अच्छा लेवल है जहाँ पे, अब मैं इस और एंगल से देख रहा हूँ कि वो हाई क्या बनाया, वो ठीक है, हाई तो सस्टेन किया नहीं, और लो से रिकवरी देखेंगे तो आपको सिर्फ 100 पॉइंट का रिकवरी दिखा रहा है, 300 पॉइंट डाउन होने के बाद ऊपर से और सिर्फ 100 पॉइंट का रिकवरी देख रहा है। तो परसेंटेज में देखें तो आपको सिर्फ 33% आपको दिख रहा है कि गेन है, और 67% आपको लूज दिख रहा है पर परसेंटेज पॉइंट। 300 में 100 पॉइंट देखें तो 33% की आपको सिर्फ स्ट्रेंथ दिख रही है और 67% की वीकनेस दिख रही है। तो मैं इसमें वीकनेस ही देखूंगा कि ये मुझे वीक ही दिख रहा है, और हो सकता है कि बैंक निफ्टी में आपको अगर 26950 तोड़ता है तो नीचे की पोजीशन आपको मिलेगा। तो आप चाहें तो 27200 का स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं, 27200 पे से ऊपर जा सकता है, और या दोनों भी दिखा सकता है, एक्सपायरी है कल का तो दोनों साइड में ट्रेंड दिखाए, लेकिन किसी भी तरह 26950 तोड़ता है तो आपके शॉर्ट पोजीशन पे ही रहना चाहिए। और मुझे अभी लग रहा है कि ये बार बार ऊपर 27400 तो क्रॉस कर नहीं रहा है, और जाना है इसको मैक्सिमम 27800 तक, तो 52 वीक इसका 28388 है, तो 28388 अभी कोई जाने वाला नहीं है, तो 27800 ये बार बार नहीं टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और दो तीन बार तो घुमा लिया, अब लगता है कि एक बार ये नीचे की ओर दिखाएगा आपको। तो पुट में अगर पोजीशन बनाते हैं तो आपको शायद, ये आप 31 मार्च के पुट को बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू अभी। अगर आप इसको देखिए, अभी आपको मिलेगा 31 जनवरी का पुट, तो 31 जनवरी का जो पुट है, अगर आप 26500 का भी 27000 एट द मनी है, 27174 एट द मनी है, तो 27000 का अगर पुट लेते हैं तो आपको 338 रुपये में मिल रहा है। तो अगर आप ये लेते हैं तो 6000 का इन्वेस्टमेंट है, और अगर कम रिस्क लेना है आपको तो 26500 का ले लीजिए, जो उसकी सिर्फ आपको मिल रहा है 200 रुपये में, 4000 का। ये दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। अगर यहाँ लेना है
स्टॉप लॉस है आपका कि अगर वो 27,250 क्रॉस करता है 200, तो फिर आपको फिर 340-400 भी देखने को मिले। या आप एक काम कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में बोला था, तो अगर वो ऊपर जाता 27,400 की ओर, तो आपका पुट का रेट 27,000 का कम होता है, तो आपको 27,300 का पुट बाई करना है वहाँ पे। मीन्स ऊपर की ओर जाके 4 लॉट आपको बाई करने पड़ेंगे पुट साइड में, अगर आपको पुट, क्योंकि ऊपर का लेवल मुझे लगता है कि एक बार फिक्स हो गया, अभी इससे ज़्यादा ऊपर अभी देखने को तकलीफ होगा। तो पुट में अगर वैसे पोजीशन बनाना है तो एक लॉट आप ले लें 27,000 का कल, और कल वापस ऊपर जाता है तो वापस आप 500 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये 500 पॉइंट तोड़ता है ऊपर की ओर, तो आपको वापस एक पुट नहीं, तो एज इट इज पोजीशन पे खड़े रहिए। ऊपर नीचे दिखा रहा है तो दोनों साइड में दिखाएगा, दोनों साइड प्रॉफिट देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे करके आप पुट पे एक बार, मेरे को स्ट्रॉन्ग इसलिए दिख रहा है कि आप देखेंगे तो अब यहाँ पे शॉर्टिंग चालू हो गया, कॉल साइड में सारा शॉर्ट चल रहा है और पुट साइड में सारा राइटिंग चलने लगा। इसके लिए मेरे को लग रहा है कि अब पुट साइड में स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको देखने को मिल सकता है पुट में। अब दूसरा, अगर कल की पोजीशन दिखाओ, मैं 3 तारीख की जो एक्सपायरी है, कल 3 जनवरी की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग चालू हो गया, 27,100 पे भी कॉल राइटिंग हो रही है, एडिशन हो रहा है, और ऊपर देखिए 27,300 पे 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हो रहा है और रेट गिर रहा है, मीन्स शॉर्टिंग चालू हो गया। अब इसको शॉर्ट कर रहे हैं 27,300, मुझे अब नहीं लग रहा कि इस पोजीशन पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको। उल्टा आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए अब ये क्या हो रहा है, 27,100 पे शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई। अब यहाँ पे लोग निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, जो भी शॉर्ट करके बैठे थे वो एग्जिट कर रहे हैं अपने पोजीशन को। तो यहाँ पे आप पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग देख रहे होंगे और 26,800 पे अब सपोर्ट मिल रहा है। अभी यहाँ पे 26,800 पे, 26,700 पे सब बाइंग चल रही है। तो मेरे अंदाज से जो सबसे ज़्यादा बाइंग है 26,800, 26,700, तो हो सकता है आपको 26,700 के पुट पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो हो सकता है 26,700 पे तो नहीं, लेकिन 26, यहाँ निगेटिव प्राइसिंग है तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, शॉर्ट कवरिंग उतनी अच्छी नहीं दिख रही, बट 26,800 पे आपको दिख रहा है, तो एक बार आपको हो सकता है कि 26,800 देखने को हो सकता है कि मिले आपको, सून देखने को मिल सकता है, जल्दी आपको 26,800 देखने को मिल सकता है। तो इससे ये पोजीशन पता चल रहा है, यहाँ शॉर्ट कवरिंग चालू है, क्योंकि पुट में देखिए माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा मतलब जो शॉर्ट करके बैठे थे वो अभी कवर कर रहे हैं पोजीशन को, अब उनको फियर है कि मार्केट नीचे की ओर जाएगा। और कॉल में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, प्राइस गिर रहा है। प्राइस कब गिरेगा, जब हम प्राइस को शॉर्ट मारेंगे, और एडिशन हो रहा है मतलब शॉर्टिंग चालू है। तो पुट कॉल की ओर शॉर्टिंग कर रहे हैं, पुट की ओर शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे एडिशन भी कर रहे हैं। आप देखेंगे 26,900 में भी एडिशन हुआ है, 26,800 पे भी एडिशन हुआ है। तो 26,900 का जो कल का प्राइस है, आप देखेंगे 26,900 का, तो वो सिर्फ आपको 26.90 रुपये पे मिल रहा है। मीन्स एक लॉट भी लेते हैं तो 520 रुपये का इन्वेस्टमेंट है 26,900 पे। तो वो चाहें तो कल के लिए 26,900 के पुट को ट्राई कर सकते हैं, एक्सपायरी है कल का, और ऊपर 27,200 का चाहें तो 27,200 का कॉल ट्राई कर सकते हैं। कल और शॉर्ट होगा तो ये आपको 40 रुपये पे मिल जाएगा। तो अगर 27,200 का आपको 40 रुपीज में मिलता है और ये आपको 2026 मिल रहा है, तो टोटल मिला के 60 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 1200 का इन्वेस्टमेंट है। तो जिस साइड भी जाएगा आपको शायद फायदा देखने को मिल सकता है, बस बसते आप 27,200 का ऊपर रेट में मत लें, ये एक बार नीचे जाए तो यहाँ पे 40 रुपीज़ का रेट आपको मिलेगा, वहाँ पे कोशिश करें आप तो अच्छा रहेगा। लेकिन एट द, अगर उससे भी नहीं समझ में आए तो आप 27,000 पे कल दोपहर के बाद 12 बजे के बाद, अब जब इसका रेट दोनों तरफ जाए, नीरेस्ट पहुंच जाए, जिस ओर जाना होगा 27,000 के मोस्ट प्रोबेबली नीरेस्ट रहेगा कल का, तो 27,000 के दोनों तरफ देखेंगे, दोनों का वैल्यूएशन मिला के ये 50 और ये 50, 100 रुपये के आसपास मिल रहा होगा, वहाँ पे दोनों साइड में आप बाई कर लें। तो जिस ओर पोजीशन जाएगी एक्सपायरी में, उस पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो ये तो हुआ दोनों तरफ से बाई करके, हेजिंग करके करने के लिए, लेकिन उससे अच्छा क्या है कि आप उसको कहीं पे भी पुट साइड में अभी पोजीशन बनाना चालू करें, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, दोनों साइड में। मैंने आपको बताया कि दोनों साइड में आपको देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग चालू हो गया है, निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, क्योंकि अब जो शॉर्ट करके बैठे थे वो कवर कर रहे हैं, और 10,700 पे 2,08,000 का, 10,600 पे 3,33,000 का यहाँ पे एडिशन हो रहा है। निफ्टी 50 में भी, निफ्टी 50 भी देखेंगे 10,792 एट द मनी, 10,800 देख लें तो 10,800 एट द मनी पे देखेंगे, यहाँ देखेंगे शॉर्ट कवरिंग रिकवरी हो रही है, शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, 1,05,000 से शॉर्ट कवर किए हैं और यहाँ पे नया शॉर्ट कवर शॉर्ट कर रहे हैं 2,45,000 से। तो निफ्टी पे शॉर्ट कर रहे हैं कॉल साइड में और पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। निफ्टी पे देखेंगे तो हर लेवल पे ऊपर की ओर अभी रेसिस्टेंस आपको बनते जा रहा है 2,45,000 से। अब तो यहाँ 20,10,900 पे तो 20 लाख का बन चुका, और 16 और 10,11,000 पे 30 लाख का,
दस आठ सौ पे 16 लाख का, तो अब इसको ऊपर की ओर थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। नीचे की ओर देखेंगे तो 10,500 पे 40 लाख का अच्छा खासा सपोर्ट है, तो 10,500 पे ह्यूज पोजीशन बन रहा है। एट द उसकी वैल्यू देखेंगे लास्ट ट्रेडेड प्राइस 10,500 का, तो आपको 68.50 रुपये पे है, 10,500 का 80 रुपये पे है। तो आज भी देखेंगे तो उसमें 4,87,000 का एडिशन हुआ 10,500 पे। तो 10,500 का पुट भी एक अच्छा दिखता है, किसी को लगे तो 10,500 के पुट पे भी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि 80 रुपये में आपको मिल रहा है। तो मैं पुट पे साइड पे निगेटिव है, मेरे को लग रहा है कि 2-3 दिन में परमानेंट निगेटिव नहीं है। मैं आपको रेंज बता दिया 10,000 से 11,000, यही रेंज में रहेगा। तो यही रेंज में आपको भी खेलना है। नीचे 100 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे जाएगा वो एक्सट्रीम लेवल है, ऊपर 200 पॉइंट ऊपर जाएगा ये भी एक्सट्रीम लेवल है। इस बीच में आपको निफ्टी को बाय करना है, खेलना है और ट्रेड करना है। तो अभी पुट की ओर पोजीशन बनाए, ये सारे एजुकेशनल पर्पज से थे और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए थे। मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनाए, सीधा आपका वेल्थ चला जाएगा। आप इसको सीख लें पहले, एनालिसिस कर लें, क्योंकि मार्केट में मूव स्मार्ट करना, स्मार्ट मनी मूव जब करती है तो आपको पता नहीं चलता है। ये पोजीशन कल के कल चेंज हो सकता है और आपको दिखेगा भी नहीं। हाँ, लेकिन एक होता है कि कोई भी डेली डेली चेंज नहीं करता है, 2-3 दिन का टर्न रहता है। तो उस हिसाब से जो व्यू हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पुट की ओर पोजीशन बन रहा है, अब स्ट्रांग पोजीशन बन रहा है और 10,500 तक का सपोर्ट जा रहा है। मतलब अब नीचे की ओर 10,500 तक का दायरा खुला हुआ दिखता है, इसलिए पुट पे पोजीशन बनाने की सलाह है, बैंक निफ्टी पे भी और निफ्टी पे भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ चैनल जो है एजुकेशनल पर्पज से। आपको अच्छा लगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट करें। कमेंट का जवाब आपको मिलता ही है और मिलते रहेगा। वापस एक बार SGX निफ्टी को देख लें। तो SGX निफ्टी अभी क्या दिखा रहा है, तो SGX निफ्टी अभी जो दिखा रहा है 10,893 पे दिखा रहा है, लो 10,795 का बनाया है। तो लग रहा है कि 29 पॉइंट का चेंज है। हो सकता है कल आपको भी ऐसा ही देखने मिले, 20-50 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट से कल एक्सपायरी का दिन है, तो 30-50 पॉइंट में घुमा दे, लेकिन फिर आपको नीचे की ओर मार्केट देखने को मिल सकता है। पुट की ओर ज़्यादा अपने को सहमति दिख रही है कि पुट की ओर ज़्यादा अच्छा पोजीशन बन सकता है। डॉ जोन्स में भी 238 पॉइंट का गिरावट है और 23 पॉइंट का S&P 500 में। यही आपको हो सकता है, बैंक निफ्टी में आपको 238 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, 200 पॉइंट 250 पॉइंट और 23 पॉइंट 50 पॉइंट आपको देखने को पड़े निफ्टी में। आपको हो सकता है गिरावट, ऐसा ही पोजीशन शायद कल आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।